हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये वाला पैटर्न, छोटा सा एक पैटर्न बना के दिखाऊंगी। ये प्लो कवर बना हुआ है, आप चाहें तो इसे कुशन कवर बना सकते हैं, बट ये मेरा पिंक, बहुत लाइट पिंक प्लो कवर है। और चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। कब हाफ मैं दिखा चुकी, ये रेड कलर है और एक मैरून कलर है इसमें, और एक ये येलो कलर है, ये गोल्डन येलो कलर है, और गोल्डन येलो में स्पार्कल मिक्स है। तो पहले हम मैरून से स्टार्ट करेंगे, और ये सेकंड नंबर का ब्रश है। तो यहाँ सेकंड नंबर ब्रश पर मैंने बीच में इसके लाइन की है और फिर ऊपर की तरफ में शेड किया है। ये शेड्स काफ़ी हमें डार्क करना है, इसलिए मैंने वाइट बेस में नहीं लगाया एज अ बेस। तो और ये वाला जो कपड़ा है, ये कॉटन है, बट ये मोटी वाली कॉटन है, क्योंकि जिसकी बेडशीट होती है या फिर कुशन होते हैं उसी कपड़े का है ये। तो इसके लिए भी हमें वाइट बेस की लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दी जल्दी मैं इसको कर लेती हूँ इसी तरह से। पहले मैंने मैरून कलर को अच्छे से कर लिया है, फिर उसके बाद रेड कलर किया है हाफ़ लीफ में, जैसे मैंने ऊपर जो आपको ग्रीन वाइट लीफ दिखाई थी उसी तरह शेड करना है हमें इसमें भी, बट ये वाला दो कलर लगाने। और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं ये गोल्डन कलर लगाऊंगी, तो उसके लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लगने वाला है। जब हम रेड करेंगे और उसके बाद से दोबारा से मैरून कर देंगे, ताकि मैरून कलर का शेड अलग आए। और कुछ लोगों को लगता है कि रेड और मैरून का कंट्रास्ट सही नहीं होता, मिक्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो में थोड़ा आपको लग रहा है कि मिक्स हो रहा है, बट पे रियल में आप देखेंगे तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। दोनों का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है, दोनों बहुत सेपरेट कलर हैं और मिक्स बिल्कुल भी नहीं होते। जब हम बाद में रेड कलर के ऊपर मैरून कलर कर देते हैं तो भी मैरून कलर की अपनी अलग ही रहता है, वो मिक्स नहीं होता। और वैसे भी हमें बाद में इसमें गोल्डन येलो करना ही है, तो उसके बाद तो वो और भी बहुत प्यारा लगने वाला है। तो अभी भी अगर फिनिशिंग नहीं आती है या आउटलाइन, आप जैसे मैंने आउटलाइन नहीं की है, तो आप अगर नहीं करना चाहें तो आउटलाइन तो ना करें, बट क्योंकि लास्ट में तो आउटलाइन होगी येलो से, यहाँ मैंने इसलिए छोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं शेड्स ऐसे लग रहे हैं जैसे रियल लीफ होती है ना, सेम वही शेड लग रहे हैं इसके। ये दोनों कलर के कंट्रास्ट से ही लग रहा है, अदरवाइज़ कोई मैंने पैटर्न चेंज नहीं किया। सिंपल सा फ्लावर है ये, जैसे कि आप बनाते हैं, बहुत अच्छी सी फिनिशिंग भी नहीं है फ्लावर में, नॉर्मल सा है ये, इसलिए बन जाने पर ही बहुत प्यारा लगेगा। तो इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।